नमस्कार, वीएमआर भारत टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं प्रियंका शर्मा। चलते हैं खास खबर की और खास खबर में बात करेंगे हम दौसा जिले की। जी हां, दौसा जिले के लालसोट तहसील में ग्राम पंचायत झापदा में गोकुलपुरा और नालावास अनोपुरा आदि कई गांव इस तहसील के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कुछ समय से इस ग्राम पंचायत की हालत बेहद खराब और संजीदा है। यहाँ सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई योजनाओं का कोई लाभ आम नागरिक को नहीं मिल पा रहा है। जी हाँ, सरकार द्वारा बीपीएल योजना गरीब व निम्न परिवारों के लिए शुरू की गई थी, जिसका लाभ यहां तहसील में शामिल ग्रामवासियों को नहीं मिल पा रहा और इन योजनाओं का फायदा ऊंचे और रसूखदार लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इंदिरा आवास, नरेगा योजना, बीपीएल योजनाओं में भ्रष्टाचार जैसे कार्य खुलेआम चल रहे हैं। यहां के लोगों का कहना है कि कई बार इस बात की शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक इस और कोई सुनवाई नहीं की गई है। यहां तक कि कई बार उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन ना कोई कार्रवाई होती है, ना ही कोई अधिकारी या योजनाओं के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी यहां देखरेख को आते हैं। बता दें, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ अब लोगों की मांग है कि सरकार द्वारा इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस जांच में ग्रामवासियों का कहना है कि वह पूरे सबूतों के साथ इस मामले को उजागर करेंगे। ग्रामीणों के पास भ्रष्ट लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत भी हैं, जिससे वह अपनी बात को साबित कर सकते हैं। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि जांच नहीं हुई तो वह इस मामले के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसमें सरपंच बाबूलाल सैन व सेक्रेटरी बनवारी लाल आदि लोगों के पूर्व में किए गए पूरे कार्य का विवरण व जांच की मांग भी की गई, जिससे स्पष्ट हो सके कि इस मामले में सच्चाई कितनी है। खास खबरों को जानने के लिए बने रहिए वीएमआर भारत टीवी के साथ। नमस्कार।